प्रयागराज जनपद के आज क्षेत्र अधिकारी 12 अजीत कुमार रजक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 12 सर्किल के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि सभी थाने महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है, महिलाओं की कोई भी समस्या हो रही है तो अपनी समस्या को 1096 पर अपनी समस्या बता सकती हैं और उनकी समस्या का निवारण किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 12 सर्किल में 4 थाने आते हैं, जैसे कि 12 थाना शंकरगढ़ थाना, लालापुर थाना एवं कोंधियारा थाना। हमें इन थानों से अपराध मुक्त करना है। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। सर्किल में कानून व्यवस्था को लेकर आपने क्या सोचा है? 12 सर्किल में अभी मैं 29 तारीख को ज्वाइन किया हूँ। 12 सर्किल आने के बाद सर्किल का भ्रमण किया गया। कानून व्यवस्था संबंधी कोशिश यही रहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े। जो भी अगर इस टाइप की चीज़ें प्रकाश में आती है, जो अराजक तत्व हैं उन पर कार्रवाई करने का है। जैसे ही घटना संज्ञान में आती है कठोर कार्रवाई की जाएगी उन पर। सर, ये जो अभी महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ सभी थानों में लगभग, तो इसका उद्देश्य क्या है? महिला हेल्प डेस्क सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। जिस तरीके के महिला संबंधी अपराध बढ़ते जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि अपराधों की रोकथाम के लिए कुछ कार्रवाइयों में तेजी हो या जो भी चीज़ें समय पर कार्रवाई नहीं करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे जो पीड़ित महिलाएं होती है वो अपनी बातों को सही तरीके मतलब असहज रूप से असहजता के कारण या कुछ ऐसी होती है जो जिसके कारण सामान्य रूप से व्यक्त नहीं कर पाती है, तो उसके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई थी कि जहाँ पे एक महिला हेल्प डेस्क होगा, जहाँ पे जो भी पीड़ित महिला आती है वहाँ पे 24 आवर महिला कॉन्स्टेबल की नियुक्ति होगी। उनके प्रशिक्षण का भी प्रावधान है कि जिनका जो महिलाओं को डील कर सके, अपने हिसाब से जो बातें कर सके कि सहज महसूस करा सके। एक माहौल देना होता है कि कोई भी महिला है तो अपनी बातें खुल कर उनसे बता सके कि क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है। उस समस्या को वहाँ पे एक कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। जाँच करता जो भी अधिकारी होंगे उन पर जाँच हेतु दिया जाएगा। अगर कोई क्राइम बनता है तो तुरंत FIR रजिस्टर करके जो भी अग्रिम विधि कार्रवाई है वो किए जाने का प्रावधान है। प्लस साथ ही साथ जैसे महिला के अंदर एक सुरक्षा की भावना जागृत किए जाने का भी इसका उद्देश्य है, जिससे कि असहज भी ना हो, बातें अपनी बता सके और एक त्वरित कार्रवाई की जा सके।